सो वेदर आप एक म्यूजिशियन है, नॉन म्यूजिशियन है, आप एक ऑडियो फाइल है, या फिर कोई ऐसे हैं जो यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, मैं श्योर हूं कि आपने ये माइक्रोफोन जरूर देखा होगा। नाउ ये है श्योर का लेजेंडरी SM7B। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस माइक्रोफोन की क्या खासियत है, क्यों लोग इसको इतना इस्तेमाल करना चाहते हैं, आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से, और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं अनबॉक्स और रिव्यू कर रहा हूं इस लेजेंडरी SM7B को। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूं म्यूज़िक प्रोडक्शन वीडियोस, म्यूज़िक मेकिंग ट्यूटोरियल्स और ढेर सारे गियर रिव्यूज़। तो अगर आपको म्यूज़िक के बारे में सीखना है, म्यूज़िक बनाना सीखना है, या फिर नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। सो इससे पहले कि हम जाने ये माइक्रोफोन इतना खास क्यों है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये माइक्रोफोन का आविष्कार हुआ था 36 ईयर्स पहले, और तब से लेकर आज तक ये माइक्रोफोन उतना ही फेमस है जितना 36 इयर्स पहले था। इसको एक अलग कैटेगरी कंसीडर किया जाता है। SM7B की जब बात करते हैं तो लोग इसको एक अलग लेवल ऑफ माइक्रोफोन कंसीडर करते हैं। रीज़न बीइंग, बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिशियंस, ऑडियोफाइल, ऑडियो इंजीनियर्स, आर्टिस्ट ने इसका इस्तेमाल किया है, और इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़े बड़े और फेमस गाने बनाए हैं। तो इस माइक्रोफोन का काफ़ी बड़ा और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। मैं इतने डेफ में नहीं जाऊंगा, इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप जाके नीचे पढ़ सकते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप श्योर के वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, अमेजिंग स्टोरी है। लेकिन मैं आपको समरी बताता हूँ, इसका आविष्कार कुछ इस तरीके से हुआ था कि एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स को SM57 का जो कार्ट्रेज है, यूनिडाइन 3 जो कार्ट्रेज है, उनको वो कार्ट्रेज दिया गया था, और उनको बताया गया था कि आप इस कार्ट्रेज को इम्प्रूव कीजिए, और इसको इम्प्रूव करने में कोई प्राइस या फिर साइज़ की पाबंदी आप पे नहीं लगाई जाएगी, यानी कि आप जितना चाहते हैं उतना आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। मोटी मोटी बात उनको खुला छोड़ दिया गया था कि भाई साहब आपको जो करना है करो, आप इसको इम्प्रूव करो। और जो इंजीनियर्स हैं वो बिल्कुल क्रेज़ी हो गए, वो बिल्कुल उनको इस तरीके की छूट मिली कि उन्होंने फाइनली जाके ये माइक्रोफोन बनाया जो है SM7B। तो अकॉर्डिंग टू जॉन बॉन्ड जो है प्रोडक्ट मैनेजर श्योर के, उनके अनुसार ये जो SM7B है ये बेसिकली SM57 है जिसको स्टीरॉइड्स पुश किया गया है। जो SM57 है वो एक स्टीरॉइड्स पे अगर होगा वो इस तरीके का माइक्रोफोन होगा जो है SM7B, जिसका रिव्यू आज हम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस की बात करें तो माइकल जैक्सन ने एल्बम थ्रिलर पे ये माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया था अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। इसके अलावा आज के टाइम पे डेथ कैब फॉर क्यूटी, जॉन मेयर, जेम्स हेटफील्ड फ्रॉम मेटालिका और कई सारे आर्टिस्ट जो इसको इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे। इसके अलावा ये भी र्यूमर है कि बॉब डिलन ने इस माइक्रोफोन को इस्तेमाल किया था अपनी रिकॉर्डिंग्स के लिए। सो ऐसे आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप जाके नीचे के लिंक को दबा सकते हैं, श्योर के ऑफिशियल साइट में आपको ये सारी हिस्ट्री मिल जाएगी, सारी कहानी मिल जाएगी, और बहुत सारा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अभी अगर हम इस डब्बे को खोलें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक यूज़र मैनुअल, फिर थोड़े से और डॉक्यूमेंटेशन, और फिर आपको एक स्टिकर मिलता है यहाँ पे श्योर की तरफ से। अगला चीज़ आपको मिलता है एक वारंटी कार्ड, ये बहुत ज़रूरी है, और वारंटी कार्ड ये आपके प्रोडक्ट के लिए है, इसको हम साइड में रखते हैं। अभी अगर डब्बे के अंदर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक लूप, और ये लूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने केबल को बांधने के लिए अपने माइक स्टैंड के साथ, ताकि आपका केबल ऑर्गेनाइज रहे। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो है एक विंडशील्ड। नाउ ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी विंडी सिचुएशन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़ काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और काफ़ी आपको ये फ़ायदा हो सकता है इस विंडशील्ड का इस्तेमाल करते हुए। इसके
अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक कैप जिससे आप माइक्रोफोन के पीछे बंद कर सकते हैं उनके स्विचेस को, और इससे आपके माइक्रोफोन का पीछे कवर हो जाएगा, वो स्विचेस आपको नहीं दिखेंगे। इसके साथ आपको मिलता है एक स्टैंड कन्वर्टर, और ये एक 5x8 इंच to 3x8 इंच का कन्वर्टर है। साथ में ये थोड़े से आपको वेलक्रो और मिलते हैं, और फाइनली ये आपको माइक्रोफोन यहाँ पे देखने को मिलता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी नीट डिज़ाइन है, काफ़ी साफ डिज़ाइन है, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, फ्रेश पीस है, और क्या बात है, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। पीछे आप ये स्विचेस देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा था आपसे, इनको आप कवर कर सकते हैं उन कैप का इस्तेमाल करते हुए, और ये माइक्रोफोन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये है SM7B, और लोग कहते हैं कि आपको इसके क्लोज से बात करना चाहिए, बिल्कुल पास से आके बात करना चाहिए, ताकि आप इसकी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का फ़ायदा उठा सके। इवन दो इसका जो कार्ट्रिज है, यूनिडाइन 3 जो कार्ट्रिज है, वो काफ़ी सिमिलर साउंडिंग है 57 और 58 से, लेकिन कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे है। पहली इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो वो है इसका जो लो एंड रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बेहतरीन है, वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू इट्स सिबलिंग्स SM57 एंड SM58। तो दूसरा जो मेजर इम्प्रूवमेंट है इस माइक्रोफोन में वो ये है कि इसका जो ऑफ एक्सिस कैंसिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन है, और जिससे ये बहुत ख़ास बनाता है जो लोग पॉडकास्ट करते हैं, जो लोग ऑडियो बुक्स करते हैं, जो जिनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, ज़्यादा स्टूडियो एनवायरनमेंट नहीं है, उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो जैसे आप सुन सकते हैं, मैं अभी बिल्कुल इसके ऑन एक्सिस पे हूँ, यानी कि बिल्कुल सामने हूँ। अगर मैं इसके ऑफ एक्सिस पे जाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा कैंसिल करता है साउंड्स को, और दोबारा मैं ऑन एक्सिस पे हूँ, ये मैं दोबारा इसके ऑफ एक्सिस पे जा रहा हूँ, और आप सुन सकते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त कैंसिल करता है जब ऑफ एक्सिस की बात करें तो। तीसरा जो इम्प्रूवमेंट है वो ये है कि इसके अंदर एक शॉक माउंट बना है, इंटरनल शॉक माउंट बना है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिमाइज्ड है आपके स्टैंड के वाइब्रेशंस को लेने के लिए। अगर आपके स्टैंड में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रही है तो ये उसको बैलेंस करेगा, ये इस तरीके से बनाया गया हुआ है। चौथी बात है कि जैसे आप ऑलरेडी सुन सकते हैं, ये काफ़ी वाइडर है, काफ़ी फ्लैटर है देन रेगुलर SM57 और SM58, यानी कि जो इसके सिबलिंग्स है, उससे ये साउंड वाइज, फ्रीक्वेंसी बैलेंस वाइज, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाइज काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर साउंडिंग है। और टू रैप इट ऑल, इसके पीछे आपको दो स्विच देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट स्विच है वो है एक लो कट फिल्टर का या फिर हाई पास फिल्टर का, इससे आप अपने लोस को हटा सकते हैं अगर आप इसको टर्न ऑन करें। दूसरा जो स्विच है वो है आपका प्रेजेंस बूस्ट करने का स्विच, इससे आप प्रेजेंस को बूस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो चलिए इन दोनों स्विच को सुनते हैं और इनके डिफरेंसेस को सुनते हैं कि ये कैसे साउंड करते हैं। तो ये है SM7B इसके प्रेजेंस के स्विच को ऑन करने के बाद, और ये है SM7B लो कट फिल्टर के साथ, यानी कि हाई पास फिल्टर के साथ। तो ये है SM7B लो कट फिल्टर और प्रेजेंस बूस्ट के साथ। तो जैसे आपने सुन लिया इस माइक्रोफोन को वोकल्स के साथ, चलिए इसको ट्राई करते हैं थोड़े से गिटार्स पे। तो अगर हम कंक्लूजन्स की बात करें तो मुझे लगता है ये माइक्रोफोन अमेजिंग है, एब्सोल्यूट ब्यूटी है, फिनोमिनल साउंड, और इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो काफ़ी वाइड और फुल है कंपेयर टू इट्स सिबलिंग जो है SM57 और 58, उसके मुकाबले ये काफ़ी फुलर और फ्लैटर है।
जो एक डाउनसाइड मुझे लगा वो ये है कि इस माइक्रोफोन को काफ़ी ज़्यादा गेन की ज़रूरत है, और इसके बारे में बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे लोगों ने पहले भी बात की है। कुछ लोग इसको डाउनसाइड कंसीडर करते हैं, कुछ लोग इसको अच्छी बात कंसीडर करते हैं, लेकिन मुझे लगा ये थोड़ा सा डाउनसाइड है। आपको काफ़ी ज़्यादा गेन को ट्वीक करने की ज़रूरत पड़ती है जब आप इसको अपने प्रीएम्प पे कनेक्ट करते हैं, इंटरफेस पे कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर आपका इंटरफेस नॉइजी है, अगर आपके इंटरफेस पे नॉइज़ इंट्रोड्यूस होता है थोड़े हाई लेवल जाने पे, तो यहाँ पे आपका माइक्रोफोन काफ़ी नॉइजी हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप एक एक्सटर्नल क्लाउड लिफ्टर या इस प्रकार के चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस माइक्रोफोन का मेरे ख्याल से कोई डाउनसाइड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लगता है ये माइक्रोफोन काफ़ी फुल है और काफ़ी अमेजिंग है फॉर द प्राइस रेंज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।